आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। कुशालपुरा गांव की पपली कुमावत की शादी करीब 20 साल पहले गोपाराम कुमावत निवासी बिरचड़ी के साथ हुई। अवैध संबंधों के चलते 2005 में गोमाराम ने आत्महत्या कर ली। यह हत्या थी या आत्महत्या गुत्थी अब तक नहीं सुलझी। मौत के एक महीने के बाद पपली की एक लड़की हुई जिसका नाम अंजलि रखा। गोमाराम की मौत के बाद पपली अपने पीहर कुशालपुरा आ गए। इसी दौरान उसका संपर्क जैतारण निवासी अमर राम कुमावत से हुआ। पपली ने अमरा राम से नाता विवाह कर लिया। अमरा राम के पूर्व में ही 4 बच्चे थे और पत्नी की मौत हो चुकी थी। यहीं से शुरू होती है चारों बच्चों के मर्डर की प्लानिंग। 2019 में पपली देवी वाइफ अमरा राम, जो यहाँ जैतारण की रहने वाली है, उसने रायपुर थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मैं और मेरी बेटी अंजलि और दिलखुश ऊंझा में किसी डॉक्टर को दिखा के यहाँ आ रही थी और बस स्टेशन पर मैं उतर के और बस पकड़ने के लिए जैतारण आने जब भी रास्ते में चल रही थी तो जो मेरे पहले के जो जेठ थे ओमाराम ओगड़राम और उसके परिजनों ने किसी गाड़ी में आए और मेरी बेटी को जबरदस्ती उठा कर ले गए। ये रायपुर थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज हुई तो हमने अनुसंधान उसका उसमें शुरू किया। तो प्रथम दृष्टया जब हमने इसका अनुसंधान किया तो ये पपली देवी और जो उसका पति अमर राम है उसकी जो गतिविधियाँ वो हमको पहले शुरू से ही डाउटफुल लगी कि ये जो रिपोर्ट है ये इन्होंने सही दर्ज नहीं कराई है, क्योंकि उसमें जो इस पर इसने जो आरोप लगाया था ओमाराम के ऊपर, उस ओमाराम उसमें हैदराबाद में रहता था। इसके बाद में इसके जो ओगड़राम और जो इसका जो ओमाराम जो आरोपी है उन्होंने भी जैतारण थाने में मुकदमा दर्ज कराया। जुलाई 2019 में एक महिला पपली देवी ने एक FIR दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग पुत्री दिलखुश 15 वर्ष, उसको जो उसका पूर्व पति है उसके घर वाले ज़बरदस्ती बस स्टैंड से किडनैप करके ले गए हैं। उस मुकदमे में तफ्तीश हो रही थी तभी जो पूर्व पति है उसके रिश्तेदार जो है ओगड़ राम उसका भाई, उन्होंने जैतारण थाने में एक FIR दर्ज कराई कि उनके भाई की बेटी दिलखुश को उसकी मदर और जो उसका नया पति है वो किडनैप करके ले गए। इस संबंध में दोनों पक्षों ने माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में हेबियस कॉर्पस की पिटिशन लगाई, जिस पर इन सभी मुकदमों का अनुसंधान और दोनों हेबियस कॉर्पस CO जैतारण द्वारा किया गया और इन्होंने एक टीम बनाई और काफ़ी गहन अनुसंधान के बाद ये पता लगा कि दिसंबर 2018 में गुजरात में दिलखुश की तबीयत ख़राब हुई या जो भी था और उसकी डेथ हो गई। उसकी डेथ होने के बाद उसकी मदर ने उसके कुछ फर्जी इलाज की पर्चियां, स्कूल की पर्चियां बनाकर चुपचाप क्रीमेशन किया और फर्जी डॉक्यूमेंट बना के वो जिंदा रह हुए हैं, इस प्रकार के एविडेंस जुटाए। जैतारण से महावीर जैन की रिपोर्ट।